मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एकेबी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन के फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के चार दिनों के अपडेटेड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने अब तक हिंदी वर्जन में कितने करोड़ की कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का मराठी वर्जन का कलेक्शन क्या रहा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। दोस्तों हिंदुस्तान के महान मराठा योद्धा तानाजी मालसुरे के जीवन पर आधारित फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिस फिल्म का डायरेक्शन किया है मराठी डायरेक्टर ओम रोत ने और फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड के सिंगम यानी कि बॉलीवुड के शेर अजय देवगन, उनके साथ नजर आ रही है उनकी धर्मपत्नी काजोल मैम, साथ ही साथ इस फिल्म में है सैफ अली खान। दोस्तों लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म, जिस फिल्म को में हिंदी के अलावा मराठी और 3D वर्जन में भी रिलीज किया था। दोस्तों फिल्म को ऑल इंडिया से लगभग 3,800 स्क्रीन मिली थी और फिल्म को ओवरसीज मार्केट में 660 स्क्रीन पर रिलीज किया था। दोस्तों फिल्म को रिलीज हुए आज जहां 4 दिन हो चुके हैं और फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिनों में जो अपना बजट है वो पूरी तरह से रिकवर कर लिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। जी हां दोस्तों, अगर बात करें तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फिल्म को बनाने का खर्चा था वो था लगभग 95 करोड़ यानी 95 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म का प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट यानी कि फिल्म का मार्केटिंग कॉस्ट वो था लगभग 15 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का टोटल बजट हो जाता है 110 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार कमाई की, इसके अलावा फिल्म रिलीज होने से पहले भी काफी बढ़िया कलेक्शन कर चुकी थी। दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने रिलीज होने से पहले अपने सैटेलाइट राइट 55 करोड़ में बेचे थे, वही डिजिटल राइट 35 करोड़ में और फिल्म के म्यूजिक राइट बिके थे 10 करोड़ में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने रिलीज होने से पहले अपने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर टोटल 100 करोड़ रुपए कमा लिए थे, यानी कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म के प्रोड्यूसर फायदे में आ चुके थे। लेकिन अब अगर बात करें दोस्तों कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की तो दोस्तों आपको बता दें तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही ताबड़तोड़ कलेक्शन शुरू कर दिया था और फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में कलेक्शन किया था 15 करोड़ 10 लाख रुपए का, वही मराठी वर्जन में फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन था 2 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का पहले दिन का ऑल इंडिया से लगभग 17 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन आया था। बात की जाए दूसरे दिन के कलेक्शन की तो फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने दूसरे दिन हिंदी वर्जन से कमाए थे लगभग 20 करोड़ 57 लाख रुपए, वही मराठी वर्जन से फिल्म का कलेक्शन था लगभग 2 करोड़ रुपए। बात करें तीसरे दिन की तो दोस्तों तीसरे दिन था संडे और संडे के दिन तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी और तीसरे दिन फिल्म के टिकट मिलना ही नामुमकिन हो चुका था। जी हां दोस्तों आपको बता दें फिल्म ने तीसरे दिन सिर्फ हिंदी वर्जन से 26 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की, वही मराठी वर्जन में फिल्म का कलेक्शन 1 से 1.5 करोड़ रुपए रहा, यानी कि फिल्म ने तीसरे दिन ऑल इंडिया से दोनों भाषाओं में लगभग 27 करोड़ रुपए कमाए। बात करें दोस्तों चौथे दिन की तो फिल्म को चौथे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर दिन भर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली और फिल्म ने मॉर्निंग वाले शोज में शुरुआत की थी लगभग 35% की ऑक्यूपेंसी के साथ, वही आफ्टरनून में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 48% की रही और इवनिंग वाले शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 55 से 60% के बीच आई। तो दोस्तों फिल्म का जो चौथे दिन का कलेक्शन है वो भी ताबड़ तोड़ रहा। यह दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 12 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का शुरुआती 4 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है 73 करोड़ यानी 73 करोड़ रुपए, वही इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन 86 करोड़ यानी 86 करोड़ रुपए। अब आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कमेंट में कि भाई ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन में क्या फर्क होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं जैसे तानाजी द अनसंग वॉरियर का ग्रॉस कलेक्शन 86 करोड़ रुपए है और नेट कलेक्शन 73 करोड़ रुपए, तो
इन दोनों कलेक्शन में फर्क ये है दोस्तों कि जो 86 करोड़ है इतनी फिल्म की टिकटें बिकी है और जो 73 करोड़ है ये गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद का कलेक्शन है। हालांकि दोस्तों टैक्स से याद आया कि तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म अब हो चुकी है यूपी में टैक्स फ्री। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती की बात यह है कि ये इस फिल्म की कहानी जब मराठा योद्धा के ऊपर है लेकिन इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री किया है पर अभी तक ये फिल्म महाराष्ट्र में टैक्स फ्री नहीं हुई, जबकि सबसे पहले इस फिल्म को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करना था। हालांकि कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में फिल्म को महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में तो जहां फिल्म ने इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 86 करोड़ का किया है वही ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन 16 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का जो शुरुआती 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 112 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म सिर्फ 4 दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और फिल्म हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों अभी इंतजार है कि फिल्म और आगे कितनी जाएगी, यानी कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़ रुपए। हालांकि दोस्तों मुझे तो पूरी उम्मीद है कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया नेट कम से कम 200 से 250 करोड़ जाएगा, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म का मिनिमम 300 करोड़ रुपए रहने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का फाइनल कलेक्शन कितना रहेगा, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ या 350 करोड़ रुपए? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले।